खान साहब की मुलाकात के हवाले से और उनको म्यारी खाना देने के हवाले से और इसके साथ साथ अडियाला जेल के अंदर शिफ्ट करने के हवाले से हमने जो इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से, उनमें से सिर्फ एक इस्तदा मंजूर हुई है और वो भी कंडीशन उसके अंदर है कि जेल अहकाम जो फैसला करेंगे उसके अंदर ये है कि सिर्फ और सिर्फ खान साहब से जो लीगल टीम है, दोस्त हैं और उनकी फैमिली है वो जाकर मिल सकते हैं, लेकिन वो भी सुप्रीडेंट साहब मैनुअल के मुताबिक देखेंगे और सुप्रीडेंट साहब वो यकीनी बनाए उन्होंने कहा है। लेकिन अब आगे देखते हैं कि सुप्रीडेंट साहब जेल अहकाम क्या कहते हैं। हम ये चाह रहे थे कि हफ्ते के अंदर जो है वो जितने दिन मुख्तस हैं कानून के मुताबिक उस हिसाब से फैसला किया जाए, और लेकिन अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है। दूसरा ये कि जो फूड के हवाले से हमने सदा की थी वो हमारी इस्तदा मंजूर नहीं हुई, इस वक्त जो है वो उन्हें उसके इस फूड की हद तक जो है वो आर्गूमेंट सुनने के लिए एक डेट दे दी गई है कि अगली डेट के ऊपर इसके ऊपर समाप्त होगी और फैसला दिया जाएगा। अडियाला जेल वो भी शिफ्टिंग के हवाले से जो हमने सदा की थी वो भी हमारी मंजूर नहीं हुई, क्योंकि जो कोर्ट ने ऑर्डर किए थे वो ये थे कि खान साहब को जो है अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए, जिस कोर्ट ने सजा दी थी यानी कि हुमायूं दिलावर साहब ने, तो गैर कानूनी तरीके से उनको अटक जेल लेके जाया गया, तो वो भी हमारी सदा मंजूर नहीं। और साथ हमने एक क्लास के हवाले से इस्तदा की थी वो भी हमारी सदा मंजूर नहीं। आज उस टाइम के ऊपर ये ऑर्डर जो है आया है जिस टाइम के ऊपर जेल का टाइम जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि 2 बजे तक का टाइम है, अब मुमकिन ही नहीं है कि आज उनसे मिला जा सके। हमने ये इस्तदा कल भी यही की थी कि कोर्ट के अंदर ऑर्डर जो है चीफ साहब अनाउंस कर दें, लेकिन हमारी मंजूर नहीं हुई। और आज भी इसके अंदर यही सूरत हाल है कि आगे नेक्स्ट जो है छुट्टियां आ रही हैं और 14 अगस्त तक आपको पता है छुट्टियां हैं, तो छुट्टियों के अंदर वैसे ही नहीं मिला जा सकता। हमने उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी थी केसेस के हवाले से, हमने उनसे इंस्ट्रक्शंस लेनी थी कि ये मामलात आपके चल रहे हैं, आपकी बेलें खारिज हो रही हैं, नैब की खारिज हुई हैं, बाकी आपकी लाहौर खारिज हुई हैं, लेकिन वो लेट हुआ है। आज हमें इंस्ट्रक्शन जो है हमसे नहीं मिल सकती, पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाने थे वो भी नहीं हो सके, तो लिहाजा प्रोसेस जो है वो शायद जानबूझकर जो है वो इसके अंदर जो है वो डिले किया गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब वे प्रेस कॉन्फ्रेंस एक की गई जब खान साहब से मुलाकात की थी तो शायद उस वजह से जो है लॉयर्स को पिछली दफा भी मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि जब लॉयर्स गए वहां पर मिलने के लिए तो उल्टा उनके ऊपर FIRs दे दी गई, और मैंने जब रब्ता किया तो मुझे भी कहा गया कि इस हफ्ते आपकी मुलाकात नहीं करवाई जा सकती, सिर्फ और सिर्फ बीबी साहिबा को जाकर मिलेंगी। तो ये सूरत हाल है सस्पेंशन की हद तक, और जो अपील तोशाखाना का ऑर्डर है उसको हमने जो चैलेंज किया हुआ है वो हमें उम्मीद है कि 15-16 तारीख तक वो फिक्स हो जाएगा, और यूं ही फिक्स होगा तो इंशाल्लाह खान साहब की बेल होगी, और जो जमानतें खारिज हुई हैं उसके हवाले से भी हमने लाया अमल तैयार कर लिया है, इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम जो है वो जो कानूनी तौर पर जो लीगल पहलू अडॉप्ट किए जा सकेंगे वो इंशाल्लाह करेंगे। और इसके साथ साथ जो है आज की हद तक ये अपडेट है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिलने के हवाले से एक ऑर्डर किया गया है, लेकिन वो भी जेल के जो सुप्रीटेंडेंट साहब हैं वो बताएंगे कि किस टाइम आना है, किस टाइम मुलाकात होनी है, कितनी होनी है, या उनको दरख्वास्त दी जाएगी। खुराक के हवाले से अभी तक हमें कोई रिलीफ नहीं हुआ, वो अब नेक्स्ट डेट जो है वो होगी। थैंक यू सो मच।